मम्मी मैं पीछे पीछे आ रही हैं। क्यों नहीं मानी हो? क्यों नहीं मानी? हाँ, अरे साहब, हम 10 दिन पहले बोए, इतना पतला पतला का खेलू आज। वहाँ से गिर करके मर जाए तो क्या होगा, है ना? देखो 4 दिन पहले, ये देखो इतना हुआ और बाद में बोए उनका ज्यादा हुआ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। शिवरात्रि तो बीत गई और शिवरात्रि की वीडियो आपने देखी, कमेंट भी आपका बहुत अच्छा लगा। आज जैसा कि इंट्रो में आपने देख ही लिया, खेत की कटाई मड़ाई करनी है। जैसा कि मैंने पहले बनाया था, पहली बार मैंने खेत में खाद डाली थी और खेत की फसल तैयार भी हो गई। आज चलते हैं खेत में, मैं देखता हूँ सरसों तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया है, और उसको देखना है क्योंकि पानी चलने के बाद खेत में तब से गए नहीं, थोड़ा सा व्यस्तता हो गई। जूली, अभी जूली का जो है इसका पीठ पे कुछ मस्सा निकल गया था, उसका दवाई हुआ, अभी यहाँ बैठी हुई। जूली चलोगे घर? चलो आओ, आओ चलो 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 आओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाएगी नहीं क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं है, दवा हो रहा है लेकिन तब भी कुछ आराम मिलने वाला है। देखो सुबह बाहर का ही मौसम बहुत टाप है, हल्का का ठंडी टाइप का लग रहा है, शीत पड़ा हुआ लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है। चलता हूँ, मम्मी भी लग रहा है आज सुबह तैयार होने के लिए कही थी, चलना है खेत में, खेत की कटाई करने, और लग रहा है वो उसी घर पे हैं। और आज धूप निकल गई है, फिर भी चलता हूँ, देखता हूँ अगर सरसों तैयार हो गए होंगे तो उनको काटना है, तैयार करना है। पास ही में मोरंग गिरा हुआ है, इनका घर 2 तल्ला होगा और मेरा भी जो पीछे दिख रहा है ना, आप लोगों ने देखा होगा मेरा पीछे है, चल रहा है। तो कटाई हो गई और कुछ लोग जो गाँव के वाले हैं जिनके पाल लकड़ियों की कमी रहती है वो सब काट ली उधर। हम लोग छोटे छोटे थे, इसी गली के रास्ते होकर के जाया करते थे, अब तो दूसरा बन गया है, पक्की सड़क बन गई है तो लोग उधर से भी अच्छे से जाते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं हुआ है। लेकिन जब कभी भी लोग शॉर्टकट आना चाहते हैं घर से इधर अंदर कार्यालय की तरफ, तो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। आ गए हम लोग सीधे कार्यालय पर, शॉर्टकट पोखरे की जो है जो टाइल लगा हुआ नीला नीला वो फिर से लगेगा नीचे की तरफ। आज मंदिर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हेलो, कहाँ जा रही हो? पोखरे का पानी काफ़ी ऊपर तक रहता है, सीढ़ियों के ऊपर तक, लेकिन इधर जो खाली है टाइल से लगेगा, इसलिए पोखरे का पानी फिर से निकाला जा रहा है, और जब लग जाएगा तो बहुत शानदार लगेगा, है ना? तो आ गए मंदिर के पास शॉर्टकट में। यहाँ हम लोग पहले जब छोटे छोटे थे, यहाँ जामुन का पेड़ था, पूरा बाग था ये आंवला, सब लोग तोड़ के खाते थे, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो गया। आप लोग बताइए कि अपने कमेंट सेशन में कि आप लोग जब छोटे थे तो आपके आसपास बाग बगीचा था तो क्या करते थे? शायद वही जो हम लोग किया करते थे। आ गई आ गई आ गई, यहाँ देखो मम्मी तैयार हो गई है। गुड मॉर्निंग मदर, चलो जल्दी चलो, 8 बज गए हैं, जल्दी से चलना है खेत में। मैंने रस्सी दे दिया, 2 हंसुआ। क्यों मम्मी, क्या काटेंगे आज? आज सरसों की कटाई होगी। सरसों की कटाई होगी? अपने खेत में अपने सरसों। बोरी हम लोग ले लिए, मम्मी ने रस्सी रख दिया। का भाई जो है किसान, यानी कि दुर्गेश सोनी खेती करेगा। खेती किया, फसल उग गया है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, लोग जा रहे थे बार बार खेत में, क्या कर रहे थे वीडियो में जाके देख लिया क्या क्या कर रहे थे, बहुत ही रखाना पड़ा तब जाकर के आज खेत तैयार हो गया कि नहीं हो गया। चलते हैं देखते हैं कैसा है खेत, कैसा नहीं है। आप लोग भी देखिएगा कि आपके भाई का खेत कैसा है ना। चलो आज तो छुट्टी है जी, ए आज छुट्टी है, आज छुट्टी है ना? का है आज? हाँ गुड़ी बाबा है तो बरवा का बल्ले। हाँ चल रहे हैं किसानी करने अपने खेत में, अपना खेत अपना काम, अपना खेत अपना काम। देखता हूँ आ गए जहाँ से 3-4 महीने पहले जा रहे थे, इसी रास्ते सामने से जब पास में यहाँ पे तो छोटे छोटे फसल तैयार थे, अब ये देखो गेहूँ, ये सरसों भी
तैयार हो गए हैं और अभी मुझे उधर चलना, उधर पीछे आ रही हैं, बोली बाइक से चलो। हमने कहा नहीं पैदल चलते हैं, खेत में थोड़ा सा खेत की हवा लेंगे और खीर की महक जो होती है बहुत शानदार होती है ना। कहे शायद मैंने कहीं सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो क्या आप कमेंट में बताओ कि हीरे मोती कौन से होते हैं? शायद आप देख करके पता लग गया होगा, हाँ यही हीरे मोती हैं किसान के लिए, है ना। भाई साथ में आ गए हैं, इनसे हम पूछे हैं कि कब कटेगा, तो कह चलिए देखते हैं, क्योंकि जब बोया गया था तब भी गुड्डू भाई मिले थे, क्यों? और गुड्डू भाई हमारे खेत को बोए थे, ये देखते हैं है कि कैसे तैयार हो गया है। इनके मेहनत आज, हाँ मम्मी पीछे से बता रही है कि खेत में बीज यही डाले थे, तो आज इनसे पूछेंगे भाई चलिए सरसों तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे आपको पता है ये सब कुछ हम लेके यही आ रहे हैं। मम्मी मैं पीछे पीछे आ रही हैं, को गुड्डू काटने पड़ेगा ना, काटने रखोगे ना, सूख रहा है भाई, अरे देखिए उठा नहीं, ये देखो निकल गया हथियार। गुड्डू भाई ने बता दिया कि जो जो पीला पीला हो गया सूख रहा है वो सरसों काट डालिए। मम्मी लग गई हैं अपने हाथ से ही खोट रही हैं, ये देखो हाथ से ही निकल जा रहा है, कोई जोर तो है ही नहीं कि हसुआ से काटें। मम्मी वहाँ निकाल, जितना हम निकाले हैं उतना मम्मी भी निकाली, ये देखो ये बोरी में इसको रखे, अब ये निकल गया सरसों निकल गया। अब मम्मी ने बनरिया, एक खर होता है, मम्मी ने बनरिया निकाला, ये देखो यहाँ इसको यहाँ रख दिया, जो कुछ लोग घास काटने आते हैं घास निकालेंगे और हम जो है सरसों निकाल लिए। आपका भाई सरसों निकाल लिया, पहली बार नहीं तीसरी बार खेती करके सरसों निकाल लिया। धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, 10 बज गया है और अब चलते हैं घर पे, कुछ भोजन नाश्ता पानी हो जाए, है ना, क्यों भोजन नाश्ता पानी हो जाएगा तो थोड़ा शानदार लगेगा। अब इसको घर पे सुखवाया जाएगा। आ गए, 10 बज गया है, थकान महसूस हो गई है, अब इसको बाहर रख देता हूँ पहले, उसके बाद मम्मी आ रही है, मम्मी का इंतजार करता हूँ, मम्मी कहाँ पे हैं, है ना। खोला खोला, बढ़िया वाह, खोला और खोलो, और खोलो, हाँ है, खुल तो गया, फिट है, मीठा है, हाँ। का खेलू आज, पापी। और पापी। तेरे पापा का नाम है, मैं पापा क्या नाम बतावा, नानी के गए लालू बाबू, पापा नाम बताओ, तेरे पापा का नाम है दोस्तों ये है गुड़िया, पास ही में है, जो बगल में घर है, आज मेरे घर पे आई है और कह रही टॉफी खाना है। टॉफी कैसा है, 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 टॉफी खिला रही है, देख रहे हैं दोस्तों, देखिए अरे बस खा लिए लोग, खा लिए, देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को टॉफी खिला, अपने खा ही रही है लेकिन आपको भी खिला रहे हैं ना। तो अभी जो है मम्मी आ ही रही हैं, मैं क्योंकि पैर जल्दी जल्दी पीछे से आ गया, देखता हूँ कहाँ है मम्मी, ओ मम्मी वहाँ पे हैं, ओहो ये 3,500 का है 1,200 के कुंटल का है, ये 4-5 किलो जितना होगा, 1,200 3,500 5-6 कुंटल बस, 3,500 बड़ा वाला, 1,200 में छोटा वाला, 1-2,000 का है, 2,500 का है, 2,500 का, 2,500 का।
इधर पता नहीं कि सकुआ के शीशा में साइकिल। अरे उनका कुछ मन हीरा मत अपने घर बनवा डाले बढ़िया तीन लकड़ी बोटा लेके चिरवा डाले बढ़िया घर के लेकर ना बना भले मांग पैसा घर का होगा अपने घर का हो अपने थोड़े मजदूरी में हम करी अपन चीत रही आम खाई को पता चली अब बतावा कुछ होता है आदमी सस्ता ले के अपन काम चला वाला बोटा खरीदी बोटा ले आई चिरवा देखा देखा घर पर देखा कैसा है ये भी करता अरे तो उनका हमर बने नहीं 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 चाहे जेकर घर बनल बा घर का बनावल घर का बनावल चीज के चल गए तो अलग रही तो दनी हम करे सब अलग का देव तो चाहे बाबू यहां से सब को जाने ना भाई असली सब अपने घर का बढ़िया से बेड बसाई सब कुछ बनवा ले अब सब का सबके बराबर हो जाए सबके चल जा घरे कहानी है तो के जरा हम आवत आए तो के लिया के चल बा हां आपके लिए चलेंगे अरे कुछ काम करने घर का ताला खोल दिया और चल रहा हूं घर का ताला खोल दिया ऊपर छत पे जा रही हैं हम अपना किले चल रहे हैं हाँ बतिया रही हैं खूब एक दो तीन चार पाँच दो पंचायत कर रही हैं बैठ के हाँ पंचायती राज है गांव में लोग अक्सर जब खाली रहते हैं पंचायती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं हाँ ऐसे भी महिलाओं में पंचायत पंचायत बहुत फेमस है तो पंचायत कर रही हैं हाँ अभी ताला बंद कर दे पहले जुड़िया जुड़िया है जुड़िया यहाँ पे कैसा है जी तबीयत ठीक है खाई नहीं क्या खाई हो हाँ चलो ठीक है और खाओगी गिनती सुनाओ हैं 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 सुनाओ सुनाओ गिनती सुनाओ हाँ अच्छा ABCD सुनाओ ABCD सुनाओ ABCD हाँ हाँ बाहर देख रही है बाहर देख रही है दुड़िया हम चलते हैं घर पे ठीक है हम चल रहे हैं उस घर पे चल रहे हैं उस घर पे चल रहा हूँ हाँ तुम्हें तुरो वीडियो बन गए बा तभी कह दो दोस्तों कैसे हो कह दो बोलो कह दोस्तों कैसे हो बोलो अभी खेल रही है अब चलते हैं हम उस घर पे क्योंकि भूख लग गई है सुबह 8 बजे लगभग गए ही हम आप लोग टाइम देख ही होंगे और अभी टाइम क्या हो रहा है अभी देखो टाइम लगभग 10:10 हो रहा है ना छोड़ करके चले आया क्या करें अब वो बात कर रही हैं खेत में गई खेत में ले जाएं जाना चाह रहा था मैं लेकिन वो कहें चलो खेत हम भी चल चलेंगे कुछ करवा देंगे अकेले जो है दो दो रहेंगे अच्छा लगेगा मम्मी मेरा बहुत साथ देती हैं है ना माही है जो अपने बेटे के साथ रहती है ना अरे गुड मॉर्निंग सर मेरे गुरुजी ने जो है घर से यहाँ तक छोड़ दिया जा रहे हैं वो राशन लेने मैं भी आ गया हूँ घर पे ये देखो ये ऊपर एक बकरी नीचे से भाग रही है और ऊपर देखो कहीं चढ़ गई है अभी बंद कर दो ताला तो जिसका है यहाँ आसपास चिल्लाना शुरू कर देंगे अभी नहीं देखेंगे वहाँ से गिर करके मर जाए तो क्या होगा है ना देखो ऊपर बकरी है खुला हुआ है और दो बकरी यहाँ पे लोग आसपास में हैं बकरियों को अपने छोड़ देते हैं यहाँ बालू मोरंग सीमेंट गिरा हो तो बकरियाँ उस पर बीट कर देती हैं इन लोगों को नहीं समझ में आता है कि आखिर मैं अपने पालतू पशुओं को पाले हैं तो अपने उसको कंट्रोल में रखें आम लोगों का नुकसान ना कई बार बोलता हूँ इन लोगों को कि भाई अपने जानवर को पाले हो यहाँ आसपास कोई चारा भी नहीं है ऐसा कि लोग छोड़ दें और छोड़ने के बाद वो सब खा लें हट जाएं ये सब क्या करते हैं अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और वो बालू पर मोरंग पर घर पे आके पिट कर देती हैं इस तो जिसके ऊपर करेंगी जिसके घर पे करेंगी उसको तो बहुत बुरा लगेगा लेकिन जिन लोगों ने छोड़ा है उन लोगों को तो सेंस चाहिए कि हाँ अपने पालतू पशुओं को पालने हैं तो उसको अपने पास रखें अभी कुछ कोई मार दे कुछ हो जाए तो फिर
पूरे गांव वाले पूरे लोग आ जाएंगे, हाँ उसका बकरी का बकरी 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 मर गया उसका दाल लेने चले जाएंगे। लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए कि अपने पालतू पशु को पालने तब तो उस कैटेगरी में रखें, अपने अंडर में रखें। कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप भी पशु पालते हैं या ऐसा कोई अगर आपके पास आस पास होता है तो उसका क्या उपाय है, क्या निदान है ना। खोलना पड़ेगा, चलो। जो है आम लोगों का नुकसान ना, कई बार बोलता हूँ इन लोगों को कि भाई अपने जानवर को पाले हो, यहाँ आसपास कोई चारा भी नहीं है ऐसा कि लोग छोड़ दें और छोड़ने के बाद वो सब खा लें हट जाए। ये सब क्या करते हैं, अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और वो बालू पर मोरम पर घर पे आके पिट कर देती हैं। इस तो जिसके ऊपर करेंगी, जिसके घर पे करेंगी उसको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने छोड़ा है उन लोगों को तो सेंस चाहिए कि हाँ अपने पालतू पशुओं को पालने हैं तो उसको अपने पास रखें। अभी कुछ कोई कोई मार दे, कुछ हो जाए तो फिर पूरे गांव वाले पूरे लोग आ जाएंगे, हाँ उसका बकरी का बकरी 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 मर गया उसका दाल लेने चले जाएंगे। लेकिन कम से कम इतना तो चाहिए कि अपने पालतू पशु को पालने तब तो उस कैटेगरी में रखें, अपने अंडर में रखें। कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप भी पशु पालते हैं या ऐसा कोई अगर आपके पास आस पास होता है तो उसका क्या उपाय है, क्या निदान है ना। दोस्तों फिर आज हम आ गए खेत में, कल तो उतना सरसों निकला था आज इतना निकला है, क्यों मम्मी? इतना सरसों निकाले हैं भाई, 100 ग्राम सरसों बोए थे, 100 ग्राम सरसों भर के हो गया है। क्या कहूँ किस्मत, बगल में खेत में अच्छे से बोए हैं, बाद में 4 दिन बाद हम बोए, हम 10 दिन पहले बोए इतना पतला पतला और 10 दिन बाद बोए उनका मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया। देखो दिखाता हूँ इनका सरसों, देखिए कितना मोटा मोटा बड़ा बड़ा है, देखिए है ना अच्छे से। ये देखिए हमारा किस्मत है, ये देखिए हमारा बस इतना हुआ ही है, कल हुआ था आज इतना। और आज हम बाइक से आए हैं, कल मम्मी थक गई थी करते करते, हमारे साथ रहते बहुत काटी नहीं खींची, तो आज हमने कहा चलो बाइक से। आज ये एकादशी व्रत में है, हमने मना किया तो बताइए क्यों नहीं मानी हो? क्यों नहीं मानी? हाँ अरे साथ में रहने कुछ और होता है, चलो खेत भी देख लेंगे साथ में। हाँ हमारी मम्मी जो है हमारे साथ रहती हैं, चलो साथ में हमारे साथ रहती हैं, तो ये अच्छा लगा था आपके? बिल्कुल अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। देखिए ठीक है दोस्तों, और अभी हम चलते हैं दोस्त अपने घर पे, इसको अब सुखवाएंगे। आज मौसम भी बेकार है, दिख रहे हो एकदम बादल है। हमारा किस्मत है, ये देखिए हमारा बस इतना हुआ ही है, कल हुआ था आज इतना। और आज हम बाइक से आए हैं, कल मम्मी थक गई थी करते करते, हमारे साथ रहते बहुत काटी नहीं खींची, तो आज हमने कहा चलो बाइक से। आज ये एकादशी व्रत में है, हमने मना किया तो बताइए क्यों नहीं मानी हो? क्यों नहीं मानी? हाँ अरे साथ में रहने कुछ और होता है, चलो खेत भी देख लेंगे साथ में। हाँ हमारी मम्मी जो है हमारे साथ रहती हैं, चलो साथ में हमारे साथ रहती हैं, तो ये अच्छा लगा था आपके? बिल्कुल अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। चलिए देखिए ठीक है दोस्तों, और अभी हम चलते हैं दोस्त अपने घर पे, इसको अब सुखवाएंगे। आज मौसम भी बेकार है, दिख रहे हो एकदम बादल है। चलो यहीं रखेंगे हम यहीं छत पे, है ना। सोच रहा हूँ इसको, मौसम ख़राब है तो इसे बोरे में रख दूँ, इसका मुंह इसे बोरे में रख दूँ ताकि सूखेगा तो इसी में रहेगा, बिना मम्मी के नहीं होगा या दो लोगों की जरूरत पड़ेगी इसमें, है ना। ये आइए देखो गुड़िया जो है आज फिर आई है, चलो 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 बाहर चलो। हाँ बंद कर दे, तो अब रखा गया। प्रिया क्या कर रही हो? हाँ चल रख दो रख दो रख दो रख दो। अब मम्मी आराम फरमाने लगी, ये देखो थक गई हैं बहुत ज़्यादा, कहो थक गई हैं बहुत ज़्यादा। हाँ आज गाड़ी से आए, आज भी थक गई हैं हम लोग इस घर पे। खोलो खोलो खोलो, चलो जल्दी चलो, जूली वहीं बैठी है ना में। सो दोस्तों तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ये सरसों काटने की वीडियो देहाती ब्लॉग वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे सुंदर लगा, कौन सा पार्ट सबसे प्यारा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो को पसंद आई होगी, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे प्यारे प्यारे ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सुबह खैर।